इसमें काम नहीं होता, आप सोचते होंगे कैसे होगा। तो यहाँ से बस हमें ये बोल्ट खोलना है, यहाँ से एक बोल्ट खोलना है ये वाला बस, और ये बाहर आ जाएगा। तो आपको जल्दी हाथ मत लगाइए, ये सारा छोड़ देगा। बाइक को स्टार्ट करके कपड़े से या किसी भी चीज़ से यहाँ साफ करने की कोशिश मत करना, वरना तो बहुत सारे लोग अपना हाथ खो देते हैं। नीचे की तरफ सारा आता है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। इस चैम्बर को आपको साफ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चैम्बर पे, क्योंकि ये चैम्बर में आपको गंदगी सारी यहाँ रखी रहती है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो गाइज, आज हम मेंटेनेंस पे बाइक के लाए हैं अपने व्लॉग। तो नॉर्मल हम आपको बता दें, अगर बाइक का जो चैन होता है और इंजन होता है तो मैं कभी छेड़ता नहीं हूँ, और इसकी हमेशा सर्विस करता रहता हूँ। ये बात जानते होंगे, बाइक में सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट करती है, मतलब नॉर्मल सर्विस इंपॉर्टेंट करती है, पर आप सर्विस हर टाइम नहीं करवा सकते हैं। आपको अच्छी परफॉर्मेंस के लिए हमें चैन सेट को सही से रखना पड़ता है। जल्दी से आपको बता देते हैं, जो चैन सेट होता है ये पहले दूसरा वाला आता था, अब दूसरा वाला आता है, अब ये आता है रोलर के साथ। यहाँ बीच में आप देख रहे होंगे ये रोलर रहते हैं, ये सही रखना बहुत इंपॉर्टेंट करता है बाइक के लिए। पे हर 500 किलोमीटर या 600 किलोमीटर पे चैन लुब्रिकेंट करते रहना चाहिए। तो बहुत सारे बंदे जानते नहीं हैं, 500 किलोमीटर पे चैन लुब्रिकेंट करने से आपका चैन सेट अच्छा रहता है। आप देख रहे होंगे मेरा चैन सेट की हालत कितनी सही है, 5 या 6 हज़ार किलोमीटर पर हम इसे चेंज कराएंगे, अभी तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है। आप जानते हो, अगर मैं दिखा दूँ आपको मेरी बाइक, देखिए कितनी चल चुकी है, आपको अगर दिख रहा होगा 22,280 चल रखी है मेरी, 22,000 किलोमीटर करीब चल रखी है, और मेरा चैन सेट बिल्कुल अच्छा है। तो ये जो चैन सेट होता है ये चीज़ आपकी बहुत जल्दी घिस जाती है, और अगर आपको ये पता लगाना है कि अब हमारा चैन सेट घिस गया है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर ये जो कांटे टाइप के हैं ये बहुत ज़्यादा पैने हो जाएँ तो इसका मतलब आपका चैन सेट की डेट ख़त्म हो चुकी है। तो आपको इसको मेंटेन करना सिखाऊंगा। रूल होता है कि जैसे आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आप चैन लुब्रिकेंट लगा सकते हैं, नॉर्मल टायर हाथ से घुमा घुमा के यहाँ चैन लुब्रिकेंट लगाएंगे सेंटर में तो हो जाएगा। मोस्टली लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चैन लुब्रिकेंट लगाते हैं, तो यहाँ पर चैन लुब्रिकेंट लगा के कोई फ़ायदा नहीं है गाइज, यहाँ पर लगाना है आपको, इसके बीच में लगाना है। चैन लुब्रिकेशन करेंगे इसको पूरा क्लीन करके, और आपको जल्दी से प्रोसीजर समझा देते हैं कि कैसे होगा। तो गाइज, इसको पूरा सही से साफ करने के लिए हमें ये खोलना पड़ेगा, यहाँ पर चैन का चैन सेट होता है, छोटा पॉकेट होता है यहाँ पर, हमें उससे पहले ये खोलना पड़ेगा, फिर ये खोलेंगे, और यहाँ से क्योंकि यहाँ पर जो सारी गंदगी होती है वो घूम के यहाँ पर चली जाती है और यहाँ सारी चिपक जाती है। तो उससे पहले आपको बता दें हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। एक कपड़ा जो बाद में चैन साफ़ करेंगे वो, एक ब्रश आप भी यूज़ कर सकते हैं, ये कोई भी आप वेस्ट ब्रश यूज़ कर सकते हैं, न्यू भी यूज़ कर सकते हैं। हम कैस्ट्रोल का चैन ल्यूब यूज़ कर रहे हैं, आप इसका प्राइस देख रहे होंगे 250 है, और ये यूज़ कर रहे हैं WD-40, ये हर एक चीज़ को साफ़ करने और खोलने के काम आता है, हम ये यूज़ कर रहे हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और एक अपनी टूल किट, आप जानती हो एज यूजुअल माई टूल किट है। बता देते हैं कि कैसे हमें यूज़ करना है, पहले इसको खोलते हैं जल्दी जल्दी से दिखाते कैसे होगा। तो गाइस, उससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें, और हमें सपोर्ट करिए, हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आपको चैनल दिख जाएगा, से जाके कर लीजिए जब तक हम इसको खोलते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें यूज़ आएगा ये रिंच, और इसमें साइज देख लेते हैं कितना आएगा। तो ये आपका एंगल वाला ये काम आएगा, ये आपकी 10 नंबर की गोटी काम आएगी, और एक ये काम आएगा, इसको अपसाइड में करके खोलना पड़ता है। ठीक है, ये बोल्ट बाहर आ गया, अब सीधा ऊपर वाला खोलते हैं जल्दी से, ज़्यादा इसमें काम नहीं होता, आप सोचते होंगे कैसे होगा। तो यहाँ से बस हमें ये बोल्ट खोलना है, यहाँ से एक बोल्ट खोलना है ये वाला बस, और ये बाहर आ जाएगा। तो आपको जल्दी से खोल के दिखा दें। तो गाइस, आपको दिख रहा होगा ये बोल्ट भी खुल गया है, और आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये जो गार्ड लगा हुआ है इसकी वजह से ये बाहर जल्दी नहीं आएगा। तो आपको ये बोल्ट खोलने के बाद इसको आपको धीरे से बाहर करना है, ऐसे बाहर आ जाएगा, आपको यहाँ से बाहर की तरफ करना है। एक बोल्ट यहाँ पर है,
इस वाले को भी खोल लेते हैं। सो गाइज देख सकते हो आप, एक ही बोल्ट खोलना पड़ा, एक इसका गियर का बोल्ट खोलना पड़ा, एक उसके जस्ट नीचे बोल्ट है। तो गाइज चाहे तो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि मैकेनिक की ज़रूरत है, बट ये है कि आपको ख्याल रखना पड़ेगा, इसको साफ बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। इसको बहुत दिक्कत होगी निकालने में, क्योंकि ये गार्ड लगा हुआ है और गार्ड के यहाँ पर है, इसको हाथों से खींच के बाहर निकालना पड़ेगा, ऐसे साइड से करके ऐसे बाहर आएगा। आप देख सकते हो ये पूरा गंदगी यहाँ पर बिल्कुल नीचे की साइड आ गया। इसमें आपको अगर दिख रहा हो, ये सारा गंदगी वहाँ से चल के यहाँ चिपक जाती है, देख रहे हैं। इसी चीज़ को साफ़ करना है, ये जो ये चिपका हुआ है पूरा, इस चीज़ को साफ़ करना है। आपको बताते हैं साफ कैसे होगा। इसको पूरे पर स्प्रे करेंगे, पूरे पर मतलब यहाँ पर, ठीक, अच्छे से स्प्रे कर देंगे। सारी आप देख रहे हो गंदगी बाहर आ रही है, इस पर भी स्प्रे करेंगे। हाथ से हिलाना है, जल्दी से मार लेते हैं इस पर। अब आपको ये ब्रश इससे साफ करना है। सो गाइस उससे पहले एक चीज़ बता दूँ, ये WD-40 मारने के बाद आपको यहाँ पर हाथ नहीं लगाना है। आप इसको 10-15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। आप एक चीज़ और कर सकते हैं, इस पर ब्रश मार के आप दोबारा इस पर मार के छोड़ सकते हैं। 10-15 मिनट आपको खड़ी कर रखनी पड़ेगी बाइक, इस पर हाथ मत लगाइए, ये सारा छोड़ देगा। बाइक को स्टार्ट करके कपड़े से या किसी भी चीज़ से यहाँ साफ करने की कोशिश मत करना, वरना तो बहुत सारे लोग अपना हाथ खो देते हैं, यहाँ पर हाथ आ जाता है उनका और ये चेन खींच लेती है और अपनी उंगलियाँ खो देते हैं। तो गाइज़ ये कभी नहीं करना है। 15 मिनट बाद आपको मिलते हैं। A few moments later. मैं आपको फ्लैश से जला के दिखा दूँ, आप देख रहे होंगे पूरा निकला है और देखिए कितना गंदा है। ये देख रहे, ये हर 500 किलोमीटर से साफ करने के बाद भी इतना गंदा हो जाता है, इतना पोल्यूशन है। और आप ये देख लो, सुबह ही सामने देख लिया कितनी गंदगी निकलती है। तो चलिए इस पर ब्रश से पूरा साफ कर देते हैं। ये पूरा ऐसे साफ करना है, इसके अंदर अंदर से टायर को हाथ से घुमा घुमा के स्टार्ट करके कभी मत करिए गाइस, ऐसे करके साफ कर, ऐसे करके करेंगे तो आप देख रहे होंगे टायर कितने अच्छे से घूम रहा है। और यहाँ पर पूरा साफ करना है, ब्रश लेके पूरा यहाँ पर आपको पूरे चेम्बर में मारना पड़ेगा। यहाँ मार दीजिए, अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पे सेंसर होता है गियर सेंसर, तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा वो ख़राब ना हो जाए। ये पूरा मारने के बाद ये नीचे से भी आपको मारना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा जो गिरता है नीचे की तरफ सारा होता है, ये भी आपको मारना पड़ेगा। इस चेम्बर को आपको साफ़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चेम्बर पर, क्योंकि ये चेम्बर में आपको गंदगी सारी यहाँ रखी रहती है। और ये हो गया साफ, अब आपको कपड़ा लेना है, कपड़े से साफ करना है। पूरा देखिए कपड़े की हालत देखिए, अब पीछे का साफ करना है, दिखाते कैसे। सो गाइस आपको ये चेन दिख रही होगी, तो इस चेन पे कपड़ा ऐसे करके मारना है, टायर घुमा घुमा के। आपको जितना हो सके, जितना भी हो सके इसमें से ये गंदगी छुटानी है, जितनी हो सके। कोशिश करना आप बीच से हट पाए और ये साइड से हट पाए, कि साइड से भी चिपकती है तो बीच में ही जाती है, तो ये कोशिश करना ये हट पाए। और यहाँ से भी इसको भी साफ़ कर देना, आप देख सकते हो व्हील पूरा दिख रहा है, पूरा व्हील दिख रहा है। और एक चीज़, हाँ, कभी भी चेन ज़्यादा टाइट मत रखना, इतनी काफ़ी है, अगर चाहे तो इससे हल्की सी टाइट कर सकते हैं, पर इससे ज़्यादा टाइट मत करना। तो गाइस ये पूरा साफ हो चुका है, आप देख रहे होंगे पूरी चेन चमक गई है, क्लीन हो चुकी है। सो गाइस मैं लाइट मार के दिखा दूँ आपको, चेन देखिए, पीछे से भी दिखा दूँ तो पीछे से देखिए कितना चमक गया, इतनी गंदगी निकली है, इतनी गंदगी। तो गाइस ये प्रोसीजर थोड़ा हार्ड है, आपको टाइम लग जाएगा 1 घंटा करीब, बट जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत बेटर आएगा। बाइक बहुत स्मूथ चलती है, बहुत बेटर चलती है, एंड आपको कभी भी यहाँ पे हाथ नहीं लगाना,
साफ करते टाइम बाइक स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, हाथ से ही सब कुछ करना है। जल्दीबाजी के चक्कर में आप अपनी उंगलियाँ खो दोगे, लोगों की उंगलियाँ जा चुकी हैं, तो दैट्स व्हाई इसे फटाक से इसे बंद करते हैं और दिखाते हैं पूरा। बंद करने के बाद फिर आपको कैसे इस पर लुब्रिकेशन करनी है। सो गाइस आपको दिखाता हूँ, हमने पूरा साफ कर दिया और हाथ देख रहे हो, अब तो साफ करें फिर भी आपको दिख रहे होंगे हाथों के तो बैंड बजी पड़ी है। तो गाइस एक चीज़ का और ध्यान रखना कि भाई जहाँ पर इसको आप कर रहे हो ना, वहाँ पर आप गंदी सी जगह पर यूज़ करना है, क्योंकि आप देख रहे हो कि मैंने पूरा साफ करा है। यहाँ पे देख सकते हो पूरी साफ़ हो चुकी है, पूरी क्लियर दिख रही है, ये आप देख रहे हो पूरी क्लीन हो चुकी है। ऐसे ही आपको क्लीन करना है, इस ध्यान देना पड़ेगा, देख सकते हो आपको इस पे लगा के इसके सेंटर में यहाँ जो है ना रोलर्स उसमें डालना पड़ेगा, और ये सब जो भी करना है ना ये हाथ से ही करना है। गाइस इसके बारे में बता देता हूँ, आप स्पेक्स ये पढ़ सकते हैं कि ये किस किस पे यूज़ हो सकता है, और यहाँ पीछे आपको हाउ टू यूज़ लिखा हुआ है और किन किन चीज़ों को खोलने में काम भी करता है, तो यहाँ पढ़ सकते हैं। और इसका प्राइस आप देख सकते हैं ये 260 रुपये का है, और ये स्पेक्स हैं, आप वीडियो स्टॉप करके देख सकते हैं कि क्या क्या स्पेक्स। और इस पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोटेक्ट विद अ लॉन्ग लास्टिंग फिल्म, तो ये लॉन्ग लास्टिंग फिल्म लगा देता है चैन पर, जो आपकी वाइब्रेशन बाइक भी कम करती है एंड प्रोटेक्ट करती है। ये इसका प्राइस देख सकते हो 250 रुपये। शोरूम वाले भी और आप और भी यूट्यूबर से या शोरूम से पूछोगे तो वो यही कहेंगे हर 500 किलोमीटर पर चैन लुब्रिकेट करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि चैन पहले वाली अब ये नहीं आती है, अब ये न्यू टाइप की चैन है, तो इस पर चैन लुब्रिकेशन ज़रूरी है, वरना तो आपकी बाइक की चैन भी टूट सकती है और बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। लगाने के बाद चैन पर ये बहुत ज़्यादा स्मूथ बाइक चलती है, और जो थ्रो पावर है वो भी बहुत अच्छा आता है। घर में ही अपनी बाइक की चैन लुब्रिकेंट कर सकते हैं, और लुब्रिकेंट से दो फायदे होते हैं। लुब्रिकेंट से एक फ़ायदा होता है कि आपकी बाइक की चैन सेट बहुत ज़्यादा चलता है, और आपकी बाइक में सर्विस जल्दी बाइक नहीं मांगती और वाइब्रेशन कम भी करती है, एंड चैन क्लीन रखेंगे तो आपकी बाइक भी अच्छी चलेगी, परफॉर्मेंस भी अच्छा देगी। देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, यही है हमारी स्काई, आपको पता ही है, सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपना बहुत सारा प्यार दिखाइए और कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट का नजर देना बहुत ज़रूरी है। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।